मैनपुरी जनपद के बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम चांदपुर में आज उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह पहली बार ग्राम चांदपुर में पहुंचे, जहां पहले से ही भारी संख्या में मंत्री जयवीर सिंह को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। बहुत से ग्रामों के बुजुर्ग, नौजवान, युवा, महिलाएं भी शामिल थी। उनका जोरदार फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। चुनाव के बाद पहली बार मंत्री बनने के बाद जयवीर सिंह का पहला दौरा उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपुर हुआ। इस स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन चांदपुर के ग्राम प्रधान राहुल चौहान व क्षेत्रवासियों के सहयोग से किया गया, जिसमें दर्जनों संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बारी बारी से मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। यहां मंत्री जी ने ग्रामवासियों का धन्यवाद दिया। उसके बाद मंत्री जी ने ग्रामवासियों के अनुसार ग्राम चांदपुर में एक बारात घर और ग्राम नौगांव सड़क मार्ग से महाराज जी बाबा ग्राम पराहर तक सड़क बनवाने का आश्वासन दिया। यह सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे और मंत्री जी के जय हो चारों तरफ सुनाई देने लगी। मैनपुरी के सम्मान प्रतिनिधि आदरणीय शिवदत्त सिंह भदौरिया जी, ब्लॉक प्रमुख जागीर, हमारे सम्मानित नगर के दोनों अध्यक्ष जी, तीनों अध्यक्ष ज्योति अध्यक्ष बैठे, पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय राजू भाई, संचालन जो आदरणीय सुभाष जी चौहान साहब, इस गांव के सम्मानित नौजवान जिनकी कृपा से ये आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उनका आभार धन्यवाद। और विशेष रूप से जितने भी हमारे बैठे हुए हम बहुत बहुत आदरणीय सम्मानित बुजुर्ग, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार साथियों, मात शक्ति, आप सब लोगों को हम लोग इस बात के लिए प्रणाम करने आए हैं, बधाई देने आए हैं, आभार प्रकट करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव जो फरवरी में जिसके लिए आपने वोट डाला, आपने जिस तरीके से पिछली दो दो बार से भारतीय जनता पार्टी के सुंदरता में थी, समाजवादी पार्टी का मैनपुरी विधानसभा में लगातार कब्जा था, अशोक यादव जी के, अशोक चौहान साहब के हारने के बाद, हालांकि अशोक चौहान साहब जब चुनाव लड़ते थे, जब एमएलए दौरे पर आपने जिताने का काम किया था, तब परिस्थितियां पुराने पश्चिमन के हिसाब से नहीं थी। नए पश्चिमन में वो क्षेत्र जो कहा जाता पंचपटी और ढोलवाला नगला जिला और वो इलाका, वो सब करहल में समाहित हो गया, बल्कि पावर हाउस तक का हिस्सा मैनपुरी के शहर में घुसा हुआ है, वो भी करहल में चला गया। उसके परिस्थितियां बदली, सामाजिक और राजनीतिक यहाँ वातावरण बदला और लगातार दो बार से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी पे कब्जा करने का काम किया। लेकिन बधाई देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इस बार आपने अंगड़ाई ली, आपने निर्णय लिया और आपने कल्पना किया, उसी कल्पना का प्रणाम था आपके कल्पना से हर चुनाव से, जिस तरीके से आपने चुनाव की कमान अपने हाथ में लेकर के चुनाव लड़ा, एक एक कार्यकर्ता ने और खासकर क्षत्रिय समाज ने, मैं हल्के देना चाहता हूँ, जिस तरीके से अपने हाथ में लेकर के चुनाव लड़ा, जिस तरीके से जयवीर सिंह जिंदाबाद, जयवीर सिंह जिंदाबाद, जयवीर सिंह। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।